अगर आप सड़क पर खड़े होकर अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते हैं या किसी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट लेते हैं तो ये खबर आप पहले ज़रूर देख लें और सतर्क हो जाएं, क्योंकि बढ़ती आपराधिक वारदातों में लिफ्ट देकर या लिफ्ट लेकर बदमाश अपराध कर रहे हैं। ताज़ा मामला दिल्ली जयपुर हाईवे से सामने आया है, जहाँ 3 युवकों ने एक टैक्सी चालक से लिफ्ट ली और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। रेवाड़ी पुलिस के मुताबिक बीती रात पवन नाम का टैक्सी ड्राइवर धावड़ा में सवारी छोड़कर वापस जा रहा था, जहां धावड़ा से 3 युवकों ने रेवाड़ी जाने के लिए टैक्सी चालक से लिफ्ट ली। जैसे ही मसानी बैराज पार हुआ तभी तीनों युवकों ने हथियारनुमा एक हथियार दिखाकर चालक को गन पॉइंट पर ले लिया और चालक की स्विफ्ट कार और मोबाइल फ़ोन लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद चालक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तुरंत रेवाड़ी पुलिस अलर्ट हो गई और नाकेबंदी की गई। इस दौरान पुलिस लुटेरों का पीछा करते करते झज्जर पहुंच गई, जहां से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात करने वाला एक युवक नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका है, जबकि दूसरा अभी पढ़ाई कर रहा है। डीएसपी संजीव बलारा ने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा। ये देखिए, कल शाम को लगभग 10:30 बजे के आसपास एक पवन, जो जिला झुंझुनू राजस्थान का रहने वाले हैं, जो टैक्सी चलाने का काम करते हैं, तो ये अपना कुछ सवारी छोड़ के धारूहेड़ा में और वापस जा रहे थे, तो 3 लड़कों ने इनसे लिफ्ट ली रेवाड़ी के लिए। तो जैसे ही ये लोग बैराज क्रॉस करके और पुल से नीचे उतरे, तो इन्होंने एक हथियारनुमा पिस्तौल ड्राइवर को लगा के इनकी स्विफ्ट कार और इनका मोबाइल छीन के भाग गए थे, जो फौरी तौर पे सूचना मिलते ही नाकाबंदी की गई और जो ड्राइवर के बताए अनुसार गाड़ी का पीछा करके और झज्जर इलाके से 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। सर जो 2 लड़के गिरफ्तार किए हैं, तो एक उसमें सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और एक एक्यूज उसमें फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इन्होंने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है और एक अभी पढ़ाई कर रहा है।